लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि प्रशासन से बहुत पहले वो लोग आ गए। जो लोकल जो आदमी थे उन्होंने बहुत मदद किया, वो तुरंत पहुंचे और हम लोगों को मदद की। ये उसी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री हैं जो 11 अक्टूबर की देर रात हादसे का शिकार हो गई थी। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब ट्रेन की लगभग सभी बोगियां पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन गनीमत ये रही कि एक्सीडेंट के ठीक बाद वहां लोकल लोग पहुंच गए और यात्रियों की मदद में लग गए। इसके बारे में ट्रेन के यात्रियों ने भी बताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की वजह से हादसे में ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। बिहार के रघुनाथपुर बाजार के लोग तुरंत मौके पर पहुँच कर घायलों की मदद करने लगे, इसकी वजह से वहां कई लोगों की जान बच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय बाजार के युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और दुकानदार देवदूत बनकर यात्रियों की मदद कार्य में जुट गए। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां रघुनाथपुर बाजार स्थित है। यहां के लोग जब हादसे की आवाज सुनी तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। यहां तक कि दूसरे गाँव से भी पहुंचे लोगों ने मदद शुरू कर दी और अपने गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। जब तक NDRF की टीम मौके पर पहुंची तब तक सैकड़ों लोगों के हाथ मदद के लिए पहुंच चुके थे। स्थानीय लोगों की इस तत्परता की सब तारीफ करते दिखे। हम तो ऊपर सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा और धीरे धीरे मतलब ट्रेन लगा कि मतलब एक तरफा गिरने लगा। उसके बाद मैं भी गिरा ऊपर से, ऊपर मैं सोया था, गिरा नीचे धाम से ना गिरा। फिर ट्रेन रुकी, रुकने के बाद फिर अब हम लोग जितने भी बंदे थे आपस में मतलब उतरना शुरू किए और यहाँ के जो लोकल जो आदमी थे उन्होंने बहुत मदद किया, वो तुरंत पहुँचे और हम लोगों को मदद किए। पूरे सामान उमान आदमी को पूरे मतलब निकाले हम लोगों को। चोट तो लगा है लोगों को क्योंकि लेकिन फिर भी यहाँ के लोग लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि प्रशासन से बहुत पहले वो लोग आ गए और पेन किलर से लेके मूव वगैरह बहुत सारे मालिश वालिश भी किए, बहुत मदद किए उन लोगों को। आपके कैमरे के माध्यम से मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना की कोशिश करूंगा। यहाँ के लोकल लोग बता दें कि हादसे की वजह को लेकर शुरुआती जाँच भी पूरी हो चुकी है। इस जाँच रिपोर्ट में ट्रैक की गड़बड़ी के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने की बात सामने आई है। इस हादसे में ट्रेन की 21 बोगियां बेपटरी हो गई और दो मेन दो लूप लाइन मिलाकर सभी 4 ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना में रेलवे को 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।